नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटी के जो रूप होते हैं वो अनेकों रूप होते हैं। एक बहन का रूप होता है, एक माँ का रूप होता है, और एक के जो है समझ लीजिए बेटी का रूप और एक दादी का रूप होता है। तो ये रजिया परवीन की हत्या नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल किया है, और ये सोची समझी साजिश है, और साजिश के तहत उस बच्ची की जो है हत्या कर दी जाती है। और जिस तरीके से परिजनों ने मुझे बताया कि 4 घंटे तक मुसलसल उसको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर सही समय पर उसके परिवार अगर इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते और सही समय पर अगर इसका ट्रीटमेंट हो सकता था तो इनकी जान बच सकती थी। मैं यहाँ के खासकर स्थानीय प्रशासन की भी निंदा करता हूँ, क्योंकि परिजनों का जो आरोप है कि जब ये FIR करने के लिए गए तो वहां से इनको जो है खदेड़ा गया, भगाया गया, जबकि इनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पदाधिकारीगण हो, अगर कोई प्रीत परिवार उनके पास पहुंचता है तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं होती हैं। तो जब ये वहां पहुंचे तो उनको आश्वासन देना चाहिए था, और इस वक्त में इनकी उम्मीद से ज्यादा खड़े उतरने चाहिए था। तो मैं प्रीत परिवार के साथ खड़ा हूं और इस दुख की घड़ी में, इस गम में बराबर का शरीक हूं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, खासकर अपने SP साहब को, DSP साहब को, कि जिन लोग जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर जो है सजा मिलनी चाहिए, और उनको जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जब तक के अगर फांसी की सजा नहीं मिलेगी और इन्हें आसानी के साथ छोड़ दिया जाएगा तो आज रजिया जो कि एक भाई की बहन थी, क्योंकि इनके जो पिता हैं और जो इनकी जो माता जी थी, वालिद वालदा दुनिया से जा चुकी हैं। काश अगर इनके पास भी पिता और माता होती तो उनके दर्द को समझ सकते थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जिसके पास माता पिता नहीं हो, जिसका कोई नहीं हो, तो क्या उसका समाज नहीं? इसलिए पूरा समाज ये उनके साथ आज खड़ा है, और मुशाहिद रजा भी आपके पास उपस्थित है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस वक्त तक जब तक कि उस बच्ची रजिया को न्याय नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा और उसे फांसी दिलवाने का काम करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद उजाले हुआ। अभी जो घटना घटी है, ये घटना कैसे घटी? घटना के बारे में कल शाम में 4 बजे हम लोगों को मालूम हुआ कि राजिया परवीन को जो है उसके ससुराल में, उसका ससुराल कहाँ हुआ? ससुराल नानपुर हुआ, ईदगाह वाला मोहल्ले में इसका ससुराल हुआ। मालूम हुआ कि पुपरी जो है ना किसी हॉस्पिटल में लोग एडमिट किए हुआ है, पर वो हॉस्पिटल में जो है ICU का कोई इंतजाम नहीं था, कोई भी चीज़ का साधन नहीं था। फिर ये लोग को लेके जाना चाहिए था सीतामढ़ी, ये लोग लेके गया दरभंगा, उसमें भी 3 घंटा का टाइम वेस्ट हो गया पूरा। वहाँ गया पेशेंट के जो है ना जो सर पे जो मार लगा हुआ है पूरा सर फटा हुआ था, और कैसे वो हॉस्पिटल में ना उसको देखा नहीं, उसको लगा कि ऐसी पट्टी किया हुआ है। अभी पोस्टमार्टम के जो दरमियान डॉक्टर देगा बोला इसे सर पे बहुत मार लगा हुआ है। इसके लिए वो मैया दैया कर रही थी, बार बार अम्मा अम्मा कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी। जो इसको जहर दिया गया था उसमें वो तो उसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई, मार लगा हुआ था, वो मार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, बहुत बुरी तरीके से उसके सर पे मार लगा हुआ है। ये जहर देने का काम जो है या उसको मारपीट करने का काम जो, आखिर इसका कारण क्या रहा है इसका? इसके कारण तो उसके घर में घर का ही आदमी जानता है, वही लोग जानता है, हम लोगों को क्या मालूम। अच्छा, आदमी अंदाजा लगा सकता है। अच्छा। बाकी जो पेशेंट जो है, क्या आप अंदाज लगा तो क्या ऐसा क्या महसूस हुआ कि इस तरह की घटना को जान जान बोल रही थी? अच्छा। बार बार कि हमको जहर दिया गया है। अच्छा। हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जागीर नाम का लड़का है वो भी गया था, एक नगिंदर नाम का लड़का है आदमी है वो भी गया था, उसको भी बयान दिया कि हम बचेंगे नहीं अब, क्योंकि हमको जो जहर दिया गया हुआ है हम किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगे। जहर देने का कारण क्या रहा? जहर देने का कारण ये है कि उसका मांग था। क्या मांग था? हमको कैश और चाहिए। अच्छा। बिस्तर का पैसा वो पहले मना किया था कि अब मैं घर बनाने के बाद बिस्तर पूरा लूंगा, जो 1.5 लाख रुपए हमको बिस्तर का चाहिए, और ये उसको अभी नहीं मिला। बाद में फिर वो अपना इरादा बदल दिया कि हमको शादी के टाइम ही चाहिए। शादी को अभी 14 तारीख को शादी हुई है, कल के दिन आज 20वां हुआ, कल 19 तारीख को ये दुर्घटना हुआ।